हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। वी आर मीट आफ्टर मेनी डेज बिकॉज ऑफ वैकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 9th स्टैंडर्ड। 9th का हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमको फैक्टराइज करना है 4 टर्म्स का। ये पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, अपने जो प्रीवियस वीडियोस देखे तो उसमें हमने 3 टर्म्स का जो पॉलिनोमियल्स थे, यानी जिसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, उसको हमने सॉल्व किया था। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो 4 टर्म्स के जो सॉल्यूशन, उसको हम फैक्टराइज हमको करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 है, तो इसके जो आंसर होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों कि हमको इस क्वेश्चन का कोई भी एक फैक्टर हमको फाइंड करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर हम फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इस 2 की हेल्प से। जो लास्ट जो टर्म होगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, यानी अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 2, यानी किस किस के टेबल में 2 आता है, तो आपको इसमें 2 आंसर ही मिलेंगे, 1 और 2। बात करें तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी कि 2 के 2 फैक्टर होंगे, 1 और 2, और जो प्लस माइनस में भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 और 2 दो ऐसी वैल्यू है प्लस और माइनस में, इसकी जगह पर हम x की प्लेस पर अगर इनको पुट करते हैं तो कोई भी एक वैल्यू में इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि वो सेटिस्फाई करेगा, वो इसका एक 0 होगा। तो 1 by 1 क्या करते हैं, हम रफ में इस चीज को सॉल्व करते हैं। इस चीज को हम कहां सॉल्व करेंगे, रफ में सॉल्व करते हैं बच्चों। तो जैसे कि हम प्लस 1 अगर पुट करके देखते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, एक मैं आपको फिर रफ में करके बता रहा हूं, फिर हम ओरल करेंगे। जैसे कि हम 1 पुट करते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, x की प्लेस पर 1 पुट करना है यहां पर। तो x क्यूब है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस 2 और x की प्लेस पर 1 अगेन स्क्वायर, देन माइनस 1 और प्लस 2। माइनस 1 का क्यूब हो गया 1, और माइनस 2 एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 2। तो आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 0। यानी x की जो हमने पहली प्लेस पुट करी x इज इक्वल टू 1, उसमें क्या आंसर मिलता है, आपको 0 मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर उसको पुट करेंगे, यानी कि जब भी हम रफ में काम करेंगे, जैसे हमने 1 पुट किया, मान लो यहां पर 0 नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, माइनस 1 देन 2 देन माइनस 2, एक एक करके हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो हमको 0 मिलेगा। और जिस वैल्यू में हमको 0 मिलेगा उसको हमको यहां पर फेयर में करना है, बाकी रफ को हमको छोड़ देना है। तो हमने जो 1 में यहां पुट किया, हम यहां पुट करते हैं, देन एट x is equal to 1, we put here x, x is equal to 1 in the place of x, then 1 cube, then x cube minus 2 bracket x, 1 square minus x की प्लेस पर आप 1 पुट करोगे and plus 2, and 1 का अगर आप क्यूब करोगे, 1 cube is 1 minus 1 square is 1 and 1 2 जा 2 again minus 1 and plus 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 0। यानी कि अगर हम ये बात करें तो x इज इक्वल टू 1, इसका क्या होता है, 0। अगर हम फैक्टर की बात करें, क्या बात करें, फैक्टर की, तो x इज इक्वल टू जो 1 आया इसका फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू 0 बताता है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, क्या होगा, x माइनस 1, क्योंकि ये 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा x माइनस 1। ये हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप की हम बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। आपको जो x माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया, तो रिमेनिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि विद द हेल्प ऑफ डिवीजन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, इस जो गिवन हमको पॉलिनोमियल है इसे हम डिवाइड करेंगे, विच इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहां पर जो आंसर मिलेगा हमको क्वेश्चन x, ये जो वैल्यू होगी वो दूसरे फैक्टर्स की होगी। ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड आपको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज वॉच देम द वीडियो, वो आपको वीडियो से डिवाइड करना आ जाएगा आराम से, कि हाउ टू डिविजन बिटवीन टू गिवन पॉलिनोमियल्स। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे हम, देन एक्स स्क्वायर इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा प्लस, इधर माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया,
हमने आपको पहला बताया है कि ये जो फर्स्ट टर्म होगा हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन माइनस प्लस माइनस, और यहां पर हमको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, अगेन प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स है तो हम यहां पर पुट करेंगे एक्स, क्या पुट करेंगे हम यहां पर एक्स, वन मिनट, हाँ एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड एक्स इंटू वन एक्स। जब हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाले टर्म्स के तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए जीरो, और माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स इज माइनस टू एक्स, और यहां पर आ गया अगेन प्लस टू। फिर हम तीसरा टर्म हम देखेंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा माइनस टू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना टू बन जा टू, और प्लस माइनस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा प्लस टू। आप सॉल्व करोगे इधर प्लस इधर माइनस, प्लस टू माइनस टू कैंसिल और टू एक्स माइनस टू एक्स भी कैंसिल, और यहां पर आपको मिल गया जीरो। मैंने बच्चों पहले भी आपको बताया कि जब हमको कोई फैक्टर मिल जाता है और उस कंडीशन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो भी आंसर आएगा उस कंडीशन में यहां पर रिमाइंडर हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, तो आपका डिविजन सही है, अदरवाइज या तो आपका फैक्टर रहोंगे या आपका डिविजन रहोंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आपको ये जो नई चीज मिली है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस टू, इसको हम वापस फैक्टराइज करेंगे और दो दूसरे फैक्टर लाएंगे तो हमारे पास तीनों फैक्टर हो जाएंगे। पहला फैक्टर तो हमारे पास ये रहा, और जो दो रिमेन फैक्टर होंगे वो हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और ये जो क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन में चला गया, जो मैं प्रीवियस वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने इस टाइप से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इनको सॉल्व किया। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं फोर्थ क्वेश्चन के देन प्लीज वॉच देम। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन से जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है जिससे हम तीन टर्म वाले जो पॉलीनोमियल्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तीसरा स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू। अब यहां पर आ गया टू देन टू बन जा टू, यानी हमको टू के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका प्लस या माइनस माइनस वन हो। वी हैव टू फाइंड the two factors of the number 2 that so that the difference or the addition of both the factors is minus 1. तो 2 बन जा 2 होगा, क्योंकि 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 बन जा 2, और 2 में से हम एक माइनस करेंगे एंड 2 माइनस 1 हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हम यहां लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस टू। अब ये प्लस माइनस कैसा आया ये आपको जानने के लिए फोर्थ क्वेश्चन का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे कॉमन लेके, देन एक्स इज कॉमन इनसाइड इज एक्स माइनस टू, और हियर प्लस वन इज कॉमन देन एक्स माइनस टू, बोथ द नंबर्स आर सेम देन वी टेक कॉमन देन एक्स माइनस टू एंड इनसाइड इज एक्स प्लस वन। तो हमको जो रिमेनिंग जो फैक्टर्स है हमको मिल गए, तो जो फैक्टर्स हो गए इस क्वेश्चन के क्या हो गए, हमको बोला था फैक्टर्स फाइंड करो, तो पहला फैक्टर तो हमको यहाँ पर मिल गया था x माइनस वन, हम ये लिख देंगे x माइनस वन एंड द रिमेनिंग टू आर द नेक्स्ट इज x माइनस टू एंड द नेक्स्ट इज x प्लस वन, और हमको इस क्वेश्चन के तीन आंसर तीन फैक्टर्स मिल गए। अगर जीरोस की हम बात करें तो जीरोस के कितने होंगे तीन, पहला था x इज इक्वल टू वन एंड द सेकेंड इज x इज इक्वल टू टू एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू माइनस वन। मैंने आपको बता दिया था कि फैक्टर जो होंगे सॉरी जीरोस जो होंगे वो इनमें से ही होंगे। ये तो टू के फैक्टर्स है, इसमें लिखा है फैक्टर्स ऑफ टू, और पॉलीनोमियल की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है जीरोस है, क्या है ये जीरोस। तो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया है, और ऐसे ही हम इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करने वाले इस वीडियो में। और आपको इस समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को आपको तीन स्टेप में सोल्व करना है। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट आपको जो लास्ट नंबर उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और वन बाय वन को पुट करके ये देखना है कि इसमें से किस नंबर पे जीरो मिलेगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उस जीरो को आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है और डिवीजन करना है। यहां पर डिवीजन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा क्वेश्चन टेक्स जिसको हम क्यू एक्स बोलते हैं उसको वापस आपको फैक्टोराइज करना है, और जब उसको फैक्टोराइज करोगे तो जो उसके जो दो आंसर मिलेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से वो जो दो आंसर होंगे फैक्टर्स होंगे वही उसका आंसर होगा, और आप तीनों को एक साथ लिख दोगे तो ये फैक्टोराइज हो जाएगा, यानी कि आपको इसके तीनों फैक्टर्स मिल गए। यहां पर हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें यहां पर सेम वही क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो यहां पर चार टर्म हमको दिए हुए हैं
और यहाँ पर हमको दिया हुआ है माइनस फाइव। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, फैक्टर्स ऑफ फाइव की हम बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ फाइव। सो फाइव के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस फाइव। देन वन बाय वन जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो फैक्टर्स होंगे वो इन्हीं में से आएंगे, यानी कोई भी एक फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, और वो जीरो बन जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैसे हमको रफ नंबर को सॉल्व करना है वन बाय वन, और जो सही है उसको लेकर चलना है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो आपको वन में जीरो नहीं मिलेगा, माइनस वन में जीरो मिलेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि जिसमें हमको जीरो नहीं मिलता है उसको हमको रफ में सोल्व करना है, और जिसमें हमको जीरो मिल जाता है उसको हमको फेयर में सोल्व करना है, एंड वी कैन चेक ओरल आल्सो। तो हम माइनस वन यहाँ पुट करते हैं तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, एक्स की प्लेस पर जब आप माइनस पुट करोगे देन माइनस वन क्यूब माइनस थ्री, एक्स की प्लेस पर माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स की प्लेस पर माइनस वन और ये माइनस, ये हो गया हमारा फाइव। नेक्स्ट क्यूब ऑफ माइनस वन इज अगेन माइनस वन एंड माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन स्क्वायर इज बिकम्स प्लस वन एंड माइनस माइनस प्लस एंड नाइन बन जा नाइन एंड माइनस फाइव एंड माइनस वन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव बिकम्स फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस वन नाइन, माइनस नाइन एंड प्लस नाइन वो फॉर जीरो, यानी आपको ये आंसर यहां मिल गया जीरो। तो आपको जो पहला फैक्टर हो गया, ठीक है ना, पहला फैक्टर हो गया इसका, वो आपका किसने का आंसर आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर मिला है, तो फैक्टर आपको क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, क्योंकि ये माइनस वन तो क्या हो गया जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें हमको आंसर जीरो मिला तो उसको हम बोलेंगे इसका जीरो है, और इसका फैक्टर हो गया माइनस वन, इस तरफ आप लोगे तो हो गया एक्स प्लस वन। द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट ऑफ द क्वेश्चन, नाउ वी टेक द सेकेंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो x प्लस वन को हम डिवाइड करने वाले हैं, इस x प्लस वन को कैसे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन गिवन जो पॉलीनोमियल हमको दैट इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, इस दोनों पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करना है और एक नया पॉलीनोमियल हमको फाइंड करना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि हमने इस टाइप से डिवाइड किए हैं, नाइन्थ और टेंथ क्लास में हमने डिवीजन सिखाया है, तो टेंथ क्लास के वीडियोस में भी हमने सिखाया है, क्योंकि टेंथ क्लास में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां पर भी आता है डिवीजन, और नाइन्थ में भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम फिर, अगर आपने अब तक नहीं सीखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप ध्यान से देखो, और सेकेंड क्वेश्चन हमने कैसे डिवाइड किया उसको सीखो। तो जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ ज्यादा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म में है या नहीं है, दैट इज एक्स क्यूब देन एक्स स्क्वायर देन एक्स, और यहाँ पर लास्ट टर्म, और यहाँ पर भी इस टाइप से ही होना चाहिए। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको सिर्फ फर्स्ट स्टेप से ही देखना है कि फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इज एक्स क्यूब और फर्स्ट टर्म इज एक्स, तो हमको यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको और इसको तो एक्स क्यूब मिल जाए, तो विच इज एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे वी गेट एक्स क्यूब। नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन, तो प्लस एक्स स्क्वायर, और जब हम सॉल्व करते हैं वी पुट टेक नेगेटिव साइन माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस देन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स एंड लास्ट माइनस फाइव। उसके बाद अगर आप देखोगे अब इस पॉलीनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है विच इज माइनस फोर, कितना है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स है उधर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं एक्स एंड प्लस माइनस माइनस और फोर एज इट इज। अगर यहां पर टू लिखा हुआ होता तो हम यहां पर कितना लेते, टू बिकॉज टू टू जा यहां पर हमको मिल जाता, फोर हमको मिल जाता। फिर अब इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस फोर बन जा 4 एंड x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस एंड 4 इंटू वन एंड 4 बन जा 4 और x एज इट इज, हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस और इधर 3 प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया 0 और नेक्स्ट हमारा हो गया माइनस 5x और माइनस 5। जब भी आप डिवाइड करोगे तो कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे स्पेशली आपका जो फर्स्ट टर्म होगा हमेशा वो 0 बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस माइनस माइनस, अगेन यू पुट हियर माइनस फाइव एंड फाइव बन जा फाइव माइनस फाइव
x as it is and plus minus minus to minus 5. आप देख लो प्लस हो गया, इधर ही प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और यहाँ पर आ गया जीरो। यानी आपका जो डिवाइड है, हमने जो डिवाइड किया यहाँ पर, ये क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमारा इसमें अगर जीरो आ गया रिमाइंडर, यानी कि आपका जो आंसर मिला ये क्वेश्चन टैक्स ये वाला, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ये अब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो नए फैक्टर्स मिलेंगे, वो इस क्वेश्चन के रिमेनिंग टू फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट को हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है x प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना है कि क्या आपको आंसर दो फैक्टर मिल रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, राइट रिमेनिंग टू फैक्टर्स होंगे। तो हम इसको चेक करेंगे, फाइव बन जा, फाइव हमारा मल्टीप्लाई आएगा एंड वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ फाइव, दैट्स द सम और द डिफरेंस ऑफ बोथ द फैक्टर्स इज माइनस फोर। तो हमको फैक्टर क्या मिलेगा, फाइव बन जा फाइव। जब ऐसे क्या फाइव को वन से मल्टीप्लाई करोगे, फाइव बन जा फाइव आएगा, और जब फाइव में से वन माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर यहां पर मिल जाएगा। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। फिर हम पेयर बना देते हैं टू टू नंबर्स के, तो इसमें सर आप कॉमन लोगे, वी टेक एक्स एज ए कॉमन, इन साइड इज एक्स माइनस फाइव एंड प्लस वन कॉमन, एक्स माइनस फाइव, इसमें भी आ गया आपको एक्स माइनस फाइव आ गया, दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए, सेम हो गए। तो फिर से कॉमन लोगे तो एक्स माइनस फाइव और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन। तो आपका जो लास्ट आंसर हो गया, यानी फैक्टर्स जो आपको बोला था कि फाइंड करो, लास्ट जो आपका आंसर हो गया फैक्टर्स, वो आपका पहला फैक्टर हुआ एक्स प्लस वन, क्या हुआ एक्स प्लस वन, सेकेंड इज एक्स माइनस फाइव एंड थर्ड इज अगेन एक्स प्लस वन। क्योंकि एक्स प्लस वन यहाँ पर दो बार आया तो आप स्क्वायर बना के भी उसको लिख सकते हो, और यहाँ पर एक्स प्लस वन का मतलब ये है कि माइनस वन में दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का जो सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ का, ये कंप्लीट होता है और तीनों स्टेप हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। मैंने आपको अच्छे से बहुत सिंपली स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले स्टेप में आपको फैक्टर्स और जीरोस की मदद से फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में फिर बता रहा हूँ बच्चों आपको कि आपको क्या करना है, डिविजन करना है, वी हैव टू फाइंड द क्यू एक्स एंड द नेक्स्ट थर्ड स्टेप सिर्फ द वैल्यू ऑफ द क्यू एक्स इज अगेन फैक्टराइज and find the two factors of the given quadratic polynomial. जो quadratic polynomial के दो factor find करना है, और जो दो factor और तीसरा factor मिलके यहाँ पर तीनों factors complete करते हैं and the question two second part is completed. Now the third question of the fifth question. Third हम part कर रहे हैं इस fifth question का, तो वो question है x cube प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पर जब हम 20 के फैक्टर्स देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20 के जब आप देखोगे तो हो जाएगा जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। इस टाइप से आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, तो हमको इतने सारे फैक्टर्स को चेक करने की जरूरत नहीं, हमको शुरू में ही हमको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। अब कुछ स्टेप्स आपको कैसे इजी रहेंगे, कैसे टाइम हम सेव करेंगे यहाँ पर कि वो हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, इसका जो आंसर हमको जीरो मिल जाए। जैसे जब हम प्लस वन, अगर आप देखो तो सारे के सारे जो टर्म्स है इसमें पूरे पॉलीनोमियल के, ऑल द फोर टर्म्स आर पॉजिटिव टर्म्स, तो चारों टर्म्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉजिटिव फैक्टर कभी भी नहीं होगा, पॉजिटिव फैक्टर कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव जीरो नहीं होगा। जैसे आप वन पुट करोगे, जस्ट इमेजिन करते हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा उन सबको प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। जबकि हमको अगर सारे पॉजिटिव है तो कुछ फैक्टर अगर नेगेटिव होंगे तो, और कुछ फैक्टर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होंगे, जीरो आपका आंसर मिलने के चांस रहेंगे। यानी ऐसी कंडीशन में जब भी सारे नंबर आपको पॉजिटिव में हो तो आप हमेशा नेगेटिव टर्म को ही चूज कीजिए। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और माइनस वन जब आप पुट करोगे तो आपको यहां पर जीरो मिल जाएगा, और बाकी जो दो फैक्टर्स होंगे ना वो इनमें से ही मिलेंगे आपको जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया, हम पुट करते हैं माइनस वन, तो मैं लिख देता हूं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। हम इसको
माइनस वन पे यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन, वी पुट हियर देन x क्यूब देन माइनस वन क्यूब प्लस 13 माइनस वन स्क्वायर प्लस 32 ब्रैकेट माइनस वन प्लस 20. नाउ माइनस वन क्यूब इज माइनस वन एंड प्लस 13 एंड माइनस वन स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव प्लस वन एंड प्लस माइनस हियर प्लस माइनस माइनस एंड 32 बन जा 32 एंड प्लस 20. नेक्स्ट इज माइनस वन एंड माइनस 32 बिकम्स माइनस 33 एंड प्लस 13 एंड प्लस 20 बिकम्स प्लस 33 एंड प्लस माइनस माइनस एंड 33 माइनस 33 इज जीरो. इट मीन्स द फैक्टर्स x इज इक्वल टू माइनस वन द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो. सो द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स इज वैल्यू ऑफ द फैक्टर इज x प्लस वन. वैल्यू क्या हो जाएगी x, क्योंकि माइनस वन क्या आएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया इधर आएगा तो x प्लस वन यहाँ पर हो जाएगा. नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड स्टेप क्या होता है डिवीजन. हम क्या करते हैं डिवीजन बिटवीन द पॉलिनोमियल्स. तो जो पहला फैक्टर हमको मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस वन से. हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर किसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में जो पी एक्स हमको दिया हुआ है विच इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20. इसको हम डिवाइड करेंगे और इसका जो क्यू एक्स आएगा उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फाइंड करेंगे और उसका आंसर क्या लाएंगे हम रिमाइंडर हमको जीरो मिल जाएगा और जो क्यू एक्स हमको मिलेगा उसको हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से रिमेनिंग टू फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. बच्चों जुड़े रहिए क्वेश्चन में क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सीख लिया है सेकंड क्वेश्चन सीख लिया है यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन सीखोगे और जो फोर्थ क्वेश्चन है इस पार्ट का मैं फोर्थ क्वेश्चन एक अलग मेथड से सॉल्व करूंगा. यानी अगर आपको ये मेथड में थोड़ा लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें तीन स्टेप अलग अलग हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो मैं फोर्थ क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा वो एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने वाला हूं जिससे आप उस मेथड को सॉल्व यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए और आपको उस पूरे क्वेश्चन को सीखिए. आपको हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है आपको अगर अच्छे से बैठ रहा है कि सर कैसे सिखा रहे देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और शेयर करें सबके साथ आपके जो क्लासमेट्स है कजिन्स है फ्रेंड्स उन सबके साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को और उनको भी बताएं कि आप मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस कल्पेश भाना सर के साथ आप अच्छे से मैथ्स सीख सकते हैं. हमारे और भी आपने प्लेलिस्ट देखी है वैदिक मैथ्स की और एक नई प्लेलिस्ट भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें जिससे कि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपने नॉलेज को गेन करें. तो कंटिन्यू जब इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों यहाँ पर देन हियर इज एक्स क्यूब एंड हियर इज एक्स. तो सबसे पहला हमारा टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनटू एक्स इधर हियर इज एक्स क्यूब नाउ प्लस एक्स स्क्वायर और जब मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस एक्स स्क्वायर नाउ वी चेंज द साइन माइनस माइनस एंड फर्स्ट टर्म बिकम्स 0 and 13 minus 1 here is we got 13 minus 1 is 12 and x square next 32x and next term is plus 20. Now we take here again first term here is plus 12x square and here is plus x. So we take here is plus 12x and plus 12 banja 12 and x into x x square again plus 12 on ja 12 and x as it is. Now change the sign negative minus then both the terms plus minus becomes 0 and 32 minus 12 or 32 mein se 12 minus karunge we got here 20x and plus 20. Now the next is 20x and here is x we put here plus 20. Abhi the 20 put kar denge then 20 on ja 20 iska multiply jayega 20x and next 20 बन जाए 20 plus 20 तो सेम आ रहा है बिल्कुल. Now we change the sign and 0 और यहाँ पर हमको मिल गया जो हमारा qx से sorry rx से हमको क्या मिल गया 0 है. हमको 0 ही चाहिए था यहाँ पर ताकि हमारा जो ये एक नंबर आए वो हमको पता है it is a factor. ये क्या है एक factor है और इसको जब हम factorize करेंगे तो हमको दो नए factors मिल जाएंगे. Okay तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर x square प्लस 12x और प्लस 20 और जिस इस मेथड से जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म
मेथड। और ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम फिफ्थ कर रहे हैं, जब भी हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में चला जाता है यहाँ पर। तो हम सोल्व करेंगे 20 यानी कि वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर्स ऑफ 20, हमको 20 के दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। दिस टाइप ऑफ द सम और द डिफरेंस ऑफ बोथ द फैक्टर्स इज मिडल टर्म 12, यानी कि दोनों नंबर्स का जो अगर आप प्लस करो या माइनस करो दोनों में से एक कंडीशन में, उन दोनों फैक्टर्स का जो प्लस या माइनस की जो वैल्यू है वो 12 मिलनी चाहिए। तो वैसे तो 20 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप यहीं से देख लोगे 21 जा 20, 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, जो हमारे लिए जो फैक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10 2 जा 20 एंड 10 + 2 = 12। आपको यहीं से ये मिल जाएंगे नंबर्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x² + 10x + 2x + 20। देखो यहाँ पर प्लस है और हमने दोनों नंबर्स को फैक्टर्स को प्लस करके आंसर दिया है, तो हम दोनों को यहाँ पर प्लस साइन से ही पुट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज वी टेक कॉमन फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, वी टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट पेयर इज x, देन इनसाइड इज x + 10 एंड द नेक्स्ट इज +2 देन x + 10 एंड x + 10 आर सेम, सो x + 10 इज द फर्स्ट फैक्टर एंड x + 2 इज द सेकेंड फैक्टर्स एंड ऑल द थ्री फैक्टर्स आर। जब हम फैक्टर्स की बात करें इस क्वेश्चन में हमको बोला था फाइंड ऑल द फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स यहाँ पर होंगे, देन फर्स्ट इज x + 1, क्या यार x + 1, द सेकेंड इज x + 10, सेकेंड इज x + 10 एंड थर्ड इज x + 2। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ चीजें बताता हूँ कि सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो नंबर हमको मिले देखो 1, 10 और 2, ये यही से मिले 1, 10, 2, क्योंकि इसी के जो फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेकेंड आप देखोगे तीनों फैक्टर पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो सारे टर्म है वो पॉजिटिव टर्म्स है, इसलिए यहाँ पर जो आपको जो जीरोस होंगे वो नेगेटिव होंगे और जो फैक्टर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और थर्ड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप अगर ये देखते हो कि x + 1, x + 10, x + इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, यानी आप x + 2 वाले टर्म को पहले लिख सकते हो, x + 1 वाले टर्म को बाद में लिख सकते हो, इन सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन यहाँ पर सीख गए होंगे और जुड़े रहिएगा। आपने तीन क्वेश्चन सीख लिए हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चन को मैंने step 1, step 2, और step 3 के मेथड से सॉल्व किया आपको, और अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों वो एक अलग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2y³ + y² - 2y - 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है हम एक थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप तो आएगा ही क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी से हमको फैक्टर्स और जीरो मिलते हैं। लेकिन जो डिवीजन हम यहाँ पर करते थे डिवाइड आपको पॉलीनोमियल्स में वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको डिवाइड से बचना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस मेथड जिससे हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन जो क्वेश्चन सॉल्व किए उससे आप लोग कर सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में दिमाग की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पर 1 की, तो हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ -1 की बात करें या +1 की, तो +-1 यानी दो फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, या तो +1 या -1 यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर हम जब बात करते हैं इसको पुट करने की, तो आप यहाँ देखो कुछ नंबर प्लस के हैं कुछ नंबर माइनस है। इस कंडीशन में प्लस का नंबर भी जीरो हो सकता है और माइनस का नंबर भी जीरो हो सकता है। तो जब हम x = हम यहाँ पर पुट करते हैं +1, क्या पुट करते हैं @x = +1, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हम फाइंड करते हैं जीरो फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1³ + 1² - 2 - 1 Now 1³ = 1 and 2 = 2. Again 1² = 1 then +1 and 2 = 2 - 2 and -1 then +2 - 2 = 0 + 1 - 1 = 0, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0। यानी अगर हम फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहला अपन को फैक्टर यहाँ पर मिल गया हमको x - 1, क्योंकि x हमने +1 यहाँ पुट किया तो ये तो क्या हो गया मैंने आपको बताया जीरो, क्या हो गया जीरो हो गया। तो फैक्टर जो हुआ वो x - 1, क्या हुआ x - 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड स्टेप जब हम फाइंड करेंगे
सेकेंड स्टेप में, तो हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा पॉलिनोमियल है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं पूरे पॉलिनोमियल को, और उसमें हम स्प्लिटिंग करके x माइनस वन फैक्टर लाएंगे। तो पहले हम ये फैक्टर लिख देते हैं बच्चों, 2y³ + y² - 2y + 1। जब तीन टर्म होते तो आप क्या करते हो, मिडल टर्म का स्प्लिट करके दो फैक्टर लाते हो। यानी यहां पर जो दो मिडल टर्म्स की अगर हम बात करें, बीच के टर्म्स तो ये और ये, यानी आपको यहां पर दो बार स्प्लिटिंग करना है, एक बार इसको और एक बार इसको, और हम इस हिसाब से इसको स्प्लिट करेंगे कि ये वन इसके दो बन जाएंगे, देन 2, 3, 4, 5 और 6, यानी हम इसके फोर टर्म्स को हम 6 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, और हम 6 टर्म्स में से 2, 2 का पेयर बना के हर 2 पेयर में से हम x माइनस वन जो हमको पहला फैक्टर मिला है वो हम कॉमन लाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहां पर। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं लिख देता हूं 2y³ ऐसे कैसा, यहां पर आपको दो लाइन एक साथ लिखनी पड़ेगी, और जब आप यहां पर देखोगे आपको यहां पर सॉरी मैंने यहां पर x लिख दिया है, जस्ट अ मिनट, y, और यहां पर भी हो गया हमारा y, क्योंकि क्वेश्चन y में तो हम y के टर्म्स में हमको इसको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया y। फिर आपको जब हम यहां पे दो दो लाइन एक साथ लिखेंगे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो y माइनस वन, यानी जो पहला जो टर्म है वो y है, सिर्फ ओनली y है हमारे पास, यहां पर क्या है 2, तो इसका मतलब यह होगा जब आप यहां कॉमन लोगे तो 2y² पूरा कॉमन लोगे, क्या लोगे 2y² पूरा कॉमन, तभी आपको इनसाइड ब्रैकेट में मिलेगा y, क्या मिलेगा y। और जब हम माइनस वन की बात करें तो यहां पर आप देखोगे प्लस वाई स्क्वायर है, यानी इस टर्म को हम ऐसे लिख देते हैं -3y² और प्लस y² ये हमने कैसे किया मैं फिर बता रहा हूं आपको। इस पर आप देखोगे तो -3y² जब हमने इसको लिखा, सॉरी आपको उनको यहाँ पे क्या चाहिए -1, तो हाँ सॉरी हम यहाँ 3 नहीं लेंगे 2, क्या लेंगे -2y², तो जब यहाँ -2y² लोगे तो यहाँ पर भी -2y² में से -2y² पूरा कॉमन चला जाएगा और अंदर आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, और अब आपने इसको लिख दिया +y², क्या लिख दिया +y², लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो वापस 2y है, क्या है 2y, तो जब इसमें से अगर आप कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पर भी कितना चाहिएगा 2 ही चाहिएगा, तो अब यहाँ पर भी जब आप 2 पुट करोगे इस जगह पे, तो आप यहाँ पर जब सॉरी यहाँ पर आप देखोगे ये आपको मिल गया, देखो 2y³ में से आपने 2y² कॉमन ली गया तो अंदर आ गया y, और आपने इस y² को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि -2y² और +y² -2y² और +y², तो आप इसमें से जब आपने कॉमन लिया 2y² तो यहाँ पर आ गया आपका -1, कितना आ गया -1। तो इस कंडीशन में आपने जब आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन में कोई चेंज कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए +3y² होना चाहिए, कितना होना चाहिए +3y² जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इसमें से इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ +3y, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर इसको स्प्लिट किया, यानी आपने इस तरीके से किया कि +y² के आपने दो स्प्लिट कर दिए +3y² और -2y², जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ अंदर कॉमन ले लोगे +3 और यहाँ पर आप क्या कॉमन लोगे y² तो आप क्या कॉमन लोगे y, तो आप इधर यहां से आप कॉमन लोगे 3y² में से 3y, तो यहां पर आ जाएगा y, कितना आ जाएगा y जैसा कि हमको रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट आना चाहिए हमारा -1, नेक्स्ट -1 कैसा आएगा अगर यहां पर -2y की जगह कितना हो -3y, कितना हो -3y, अगर यहां पर -3y होगा तो -3y में से -3y पूरा कॉमन ले लोगे तो ये हो गया -1, और आपने ये फर्स्ट पेयर था हमारा ये सेकंड पेयर में से आपने कॉमन लिया तो y - 1 आपको मिल गया। यहाँ पर मैंने बच्चों बोला आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये उससे थोड़ा सिंपल मेथड है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और सेकंड जब आप देखोगे तो आपने यहाँ पर -2y और आपने यहाँ पर क्या कर दिया -3y, तो आप यहाँ क्या कर दोगे सिर्फ +y, क्या कर दोगे सिर्फ ओनली +y, क्योंकि आप जब इसको स्प्लिट करोगे तो देखो इसको हमने स्प्लिट किया +y² को +3y² -2y² और इसको हमने स्प्लिट किया -2y को -3y+y, यानी जब आप क्वेश्चन को वापस देखोगे तो आपको वैल्यू वापस सेम ही मिलने चाहिए। हम क्वेश्चन को अरेंज और रीअरेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमको वापस यहाँ पर क्या चाहिए -2y ही आना चाहिए। तो ये हो गया अपना +y और लास्ट में आप लिख दोगे -1 है, यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे -1। तो यहाँ पर देखोगे तो ये तीसरा आपका क्या हो गया, थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, ये
पेयर हो गया, यहां से आप कॉमन लोगे प्लस वन तो इनसाइड आ गया आपका माइनस वन। देखो बच्चों तीनों के अंदर वाई माइनस वन, वाई माइनस वन और वाई माइनस वन मिल रहा है, यानी हमारा जो पूरा आपने जो बनाया है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स वाले जो मेथड से, जो आपने इसको स्प्लिट करके दो टर्म बनाए, ये दोनों इसको स्प्लिट करके आपने ये दोनों टर्म बनाए, तो हमने इस टाइप से जब दो दो टर्म बनाए हमको तीन यहाँ पर पेयर बन गए सिक्स टर्म्स में, और हमको हमको सब दोनों तीनों पेयर में वाई माइनस वन, वाई माइनस वन एंड वाई माइनस वन हमको कॉमन मिल गया। तो अब जब आप इनमें से y माइनस वन जब सबके अंदर आप कॉमन ले लोगे भी, टेक y माइनस वन एज कॉमन, देन सेकंड ब्रैकेट इज टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई एंड प्लस वन, तो अब आपका जो डिवीजन वाला टॉपिक था खत्म हो गया। लेकिन थर्ड स्टेप आपको वापस सॉल्व यहां पर करना ही पड़ेगा, जैसा कि जो ये तीन टर्म है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा वाई माइनस वन, एंड इसमें से आप जब मिडल टर्म कॉमन लोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करोगे तो टू वन जा टू, यानी कि टू को हमको ऐसे फैक्टर लाने जिनको मल्टीप्लाई करे तब तो टू आ गए, यानी कि टू वन जा टू, लेकिन टू प्लस वन आप करोगे तो कितना मिल जाएगा थ्री। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो गया टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन वाई एंड प्लस वन एंड बिग ब्रैकेट क्लोज, एंड द नेक्स्ट इज वाई माइनस वन एंड वी टेक कॉमन वन बाय वन एंड टू वाई एंड टू वाई इसको हम सब कॉमन लोगे तो टू वाई इज कॉमन एंड इनसाइड इज वाई प्लस वन, कितना आ गया वाई प्लस वन, और इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, देन प्लस वन कॉमन एंड इनसाइड इज वाई प्लस वन, एंड द लास्ट आंसर इज वाई माइनस वन पहला, दूसरा इज सेकेंड इज वाई प्लस वन एंड द थर्ड इज टू वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन। तो ये हमारा हो गया आंसर, यहाँ पर हमको तीनों फैक्टर्स यहाँ पर हमको मिल गए, द फर्स्ट फैक्टर इज y माइनस वन, द सेकेंड फैक्टर इज y प्लस वन एंड द थर्ड फैक्टर इज टू वाई प्लस वन, हमको तीनों फैक्टर्स मिल गए। और तीनों ही फैक्टर्स में अगर हम जीरोस के और हम आप वैल्यू देखोगे तो जैसे वन वन और वन ही मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या है वन है इसलिए इसके फैक्टर्स क्या होंगे वन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वन बाय टू आपको मिलेगा बच्चों नो डाउट, लेकिन वन बाय टू और वन बाय टू का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस कितना आ जाता है वन बाय फोर, यानी वन बाय टू वन का फैक्टर्स है, हाफ जो होता है वन का फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पर वन बाय टू आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व होता है, और जो फोर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग मेथड से मैंने आपको सॉल्व कराया, लेकिन उसमें फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप तो आपको बच्चों करना ही पड़ेगा, सिर्फ आप डिवाइड से बच जाओगे, लेकिन जब आप डिवाइड से बचोगे तो आपको इस मेथड को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा और आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं अगर आप बोलोगे तो जब जो हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किया हम उसको भी इस मेथड से आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप भी प्रैक्टिस करोगे और जरूर सीखोगे इन मेथड्स को, और दोनों में से आप कोई भी मेथड्स को सॉल्व कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक इट, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, एंड शेयर विथ others. Okay, thank you for watching and welcome to Maths Magic Tuition Classes with me.